बिहार के नायब वज़ीर-आला सुशील कुमार मोदी ने कल बिहार के मुजफ्फरपुर में मुनाकिद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिहार सरकार शोबे तालीम को लेकर काफी संजीदा है। उनके मुताबिक बिहार सरकार अपने बजट का 20% हिस्सा शोबे तालीम पर खर्च कर रही है। सुशील कुमार ने आगे कहा कि बिहार सरकार 34,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल में तालीम पर खर्च कर रही है। सुशील कुमार मोदी के मुताबिक तालीम हर मसाइल का हल है। उन्होंने कहा कि जब खानदान तालीम याफ्ता होगा तो बच्चे कम होंगे, यानी उनके मुताबिक बढ़ती ही आबादी पर काबू पाना है तो तालीम हासिल करें। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार बहुत काम कर रही है। हम अपने बजट का लगभग 20% केवल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। लगभग 34,000 करोड़ रुपया एक साल में केवल बिहार में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। और देखिए, ये जो शिक्षा है ये हर समस्या का समाधान है। अगर परिवार की संख्या घटाना है तो शिक्षित कर दीजिए, परिवार की संख्या घट जाएगी। कोई परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, केवल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे कम होते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये शिक्षा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम लोगों ने शिक्षा पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने का